नमस्कार, मैं पूनम यादव आप सभी लोगों का स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप लोगों को इन्वायरमेंटल एंड टर्मिनल क्लीनिंग के बारे में अवगत कराना चाहती हूँ। जैसा कि यदि हम विधि पूर्वक अपने हॉस्पिटल की क्लीनिंग करें तो इससे हमारे हॉस्पिटल के हेल्थ केयर वर्कर्स इन्फेक्शन की स्प्रेड को रोका जा सकता है, ताकि पेशेंट से हेल्थ केयर वर्कर्स को इन्फेक्शन ना हो, इसलिए हमें क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। टर्मिनल क्लीनिंग हम कैसे करें और इसमें कौन कौन सी क्लीनिंग आएगी, तो मैं बता दूं कि इस इन्वायरमेंटल एंड टर्मिनल क्लीनिंग में बेड की क्लीनिंग, शेड्रिल, बेड मैटर्स, आईवी सेट, मेडिकेशन ट्रॉली, वेंटिलेटर मशीन, कीबोर्ड, टेलीफोन, डोर हैंडल्स, नर्सिंग काउंटर, टॉयलेट, टॉयलेट सीट, फ्लोर, वॉल, विंडोज एंड इंस्ट्रूमेंट की क्लीनिंग टर्मिनल क्लीनिंग में आई होती है। हमें सरफेस क्लीनिंग दिन में 3 बार और रात में 2 बार करनी होती है। एंड जब सरफेस विजुअली डर्टी दिख रहे हों या स्वेल्ड हों तो मुझे करने की क्लीनिंग प्रोसीजर करने से पहले पीपीई को अवश्य पहने। हमें क्लीनिंग करने के लिए अलग अलग टाइप से हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन यूज करना है एंड डिटर्जेंट पाउडर यूज करना है, जैसे कि 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, 0.5% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, 4% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन अलग अलग जगहों के लिए क्लीन करने के लिए मुझे आवश्यक होता है। ब्लीचिंग पाउडर से हम 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन बना सकते हैं, जैसे कि 4 स्पून यदि हम ब्लीचिंग पाउडर लेते हैं तो 1 लीटर पानी में 4 स्पून ब्लीचिंग पाउडर को घोल बनाकर बनाएंगे तो वो 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। 70% अल्कोहल रब से भी मुझे कुछ वस्तुओं को क्लीन करना होता है। वॉल और सरफेस की क्लीनिंग हमें डिटर्जेंट प्लस वाटर का घोल बनाकर या 0.5% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन या 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का घोल बना करके ही यूज करना चाहिए। फ्लोर की क्लीनिंग के लिए मुझे 3 बकेट यूज करना है। 3 बकेट सिस्टम यूज करते समय 1 बकेट में मुझे हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन और 2nd बकेट में प्लेन वाटर एंड 3rd बकेट में डिसइंफेक्ट सॉल्यूशन लेना होता है। क्लीनिंग के बाद हमें पीपीई को निकालना है और अपने हाथों को साबुन और पानी से वॉश करना है और धुलना है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ 3 बकेट सिस्टम कैसे यूज करना है। तो 3 बकेट सिस्टम यूज करने के लिए 1 में मुझे डिटर्जेंट प्लस वाटर का घोल लेना है, प्लस 2 में प्लेन वाटर लेना है एंड 3rd बकेट में डिसइंफेक्ट प्लस वाटर लेना है। इसे मुझे मॉप करने के लिए 8 के आकार में मुझे मॉप करना है और 1 बार पानी में डिप करने के बाद उसे 120 स्क्वायर फीट 1 बार में क्लीन करना है। दिन उसे वॉश मॉप को जो पोछा है मेरा उसे वॉश करना है। वॉश करने के बाद हम 1 से 2 बार उसे पानी में वॉश करेंगे, उसे पानी से पोछा लगाएंगे। दिन उसको हम उस जो मेरा डर्टी वाटर होगा डिटर्जेंट पाउडर का और प्लेन वाटर और केमिकल 2 से 3 बार उसमें वॉश करने के बाद वो बेकार हो जाएगा, बहुत ही डर्टी हो जाएगा, तो उसे मुझे फेंक देना है। दिन दोबारा मुझे फिर लेना है और फिर उसे इसी विधि से क्लीन करना होगा। सबसे पहले मुझे एरिया को अपने डिटर्जेंट पाउडर और वाटर से 1 बार क्लीन कर लिया। देन उसके बाद मैं प्लेन वाटर में पोछे को डिप करके और उससे हमने क्लीन किया। उसके बाद डिसइंफेक्ट केमिकल में उसे डिप करके और लास्ट बार उसे एरिया को क्लीन करना होगा, जिससे कि मेरा जो सरफेस है वो बहुत ही अच्छे से डिसइंफेक्ट हो जाए। अब मैं आपको बताऊंगी कि मेरे जो हेल्थ केयर वर्कर, क्लीनर या स्वीपर हैं वो किन किन पीपीई का यूज करेंगे। तो सबसे पहले उन्हें प्लास्टिक का एप्रन प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बाद गम बूट, देन डिस्पोजेबल मास्क,
कैप, हैबिलिटी ग्लोव्स एंड गॉगल्स। इन चीज़ों को पहन करके ही जो स्वीपर हैं वो पोछा या डस्टिंग या जो भी वर्क करेंगे या बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण करेंगे, तो इन सब चीज़ों को करने के लिए उन्हें पीपीई की आवश्यकता होती है और यही पीपीई उन्हें पहनना होगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि ब्लीचिंग पाउडर से 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन कैसे बनाएं। और हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन जितना कि आपके हॉस्पिटल में अवेलेबल है उससे 1% या 0.5% या 4% या 10% उसे मुझे कैसे बनाएं या किस विधि से बनाएं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसके लिए इसको बनाने के लिए एक फार्मूला है, जैसे कि परसेंटेज इंटू V1 इक्वल टू परसेंटेज इंटू V2। परसेंटेज जितना परसेंट आपके हॉस्पिटल में जो अवेलेबल होगा, जैसे सपोर्ट की 10% आपके पास हॉस्पिटल में अवेलेबल है तो 10% इंटू V1, V1 आपको निकालना है इक्वल टू परसेंटेज, कितना परसेंट बनाना है तो आपको 5% बनाना है, तो 5 इंटू V2 मतलब कितना ml आपको बनाना है तो 1 लीटर आपको बनाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000। तो V1 इक्वल टू 5 इंटू 1000 अपॉन 10, 10% का मेरे पास अवेलेबल है, तो इससे आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अवेलेबल होगा 5 इंटू 1000 अपॉन 10, तो 5 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 500 ml हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, देन 1000 में से 500 माइनस करेंगे तो 500 वाटर, तो 500 वाटर प्लस 500 हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, तो ये 1 लीटर आपका 5% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। इसी विधि से ब्लीचिंग पाउडर को 1% बनाने के लिए 33 ग्राम हाइपो ब्लीचिंग पाउडर लेंगे और 1 लीटर पानी में मेजरमेंट करेंगे या उसका घोल बनाएंगे, वो 1% तैयार हो जाएगा। अब हम आते हैं चेयर फर्नीचर इत्यादि चीज़ों की क्लीनिंग कैसे करें। तो चेयर और फर्नीचर की क्लीनिंग, स्टूल की क्लीनिंग, डस्टबिन्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, टेलीविज़न, विंडोज, साइड रेल, इन चीज़ों को क्लीन करने के लिए मुझे डंप डस्टिंग करके उसे ट्राई करना बहुत ही आवश्यक होता है। डंप डस्टिंग के लिए 0.5% या 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन यूज करना है। इसके बाद हम आते हैं लाइट और स्विच बोर्ड को कैसे क्लीन करें। तो लाइट और स्विच बोर्ड को क्लीन करने के लिए डर्टी ड्राई कपड़े से ही उसे मॉप करना है। याद रखें कि वेट मॉप नहीं करना है, इससे करंट लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो इसलिए आप ड्राई कपड़े से उसे रब कर दें। जनरल क्लिनिकल एरिया की क्लीनिंग कैसे करें। याद रखें कि जिस जगह पे पेशेंट हो या क्लिनिकल एरिया में मुझे झाड़ू यूज नहीं करना है, हॉस्पिटल में केवल डस्ट मोप ही यूज में लाना है और यूज करना है। जैसा कि पहले बताया गया है कि हमें मोप करने के लिए ट्रिपल बकेट यूज करना है। ट्रिपल बकेट केमिकल एरिया, क्लिनिकल एरिया में केमिकल किस हिसाब से मुझे यूज करना है, ये अलग अलग तरीके से मुझे यूज करना है। जैसे कि नॉन क्रिटिकल एरिया है तो उसमें मुझे 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन यूज़ करना है, देन क्रिटिकल एरिया है तो वहाँ पे 4% या 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन यूज़ करना है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि जनरल क्लीनिंग के लिए हमें 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन यूज़ करना है, या डिटर्जेंट सॉप का प्लस वाटर का घोल बना करके हम उस एरिया को वॉश भी कर सकते हैं। और ये चीज़ आपको इस तरीके से आपको दिन में 3 बार और रात में 1 बार इसकी क्लीनिंग करनी है। ट्रिपल बकेट आपको कैसे यूज करना है ये आपको पहले बताया जा चुका है कि सबसे पहले हम डिटर्जेंट वाटर के से अपने पोछे को गीला करेंगे और उससे मुंह में
वो एरिया को मॉप करेंगे। देन उसके बाद प्लेन वाटर से एरिया को मॉप करेंगे, उसके बाद डिसइंफेक्ट केमिकल वाले वाटर में डिप करके उस एरिया को क्लीन करेंगे। तो इससे हम बहुत ही अच्छे तरीके से इन्फेक्शन प्रिवेंशन कर सकते। अब मैं आपको बताऊंगी डोर हैंडल्स की क्लीनिंग कैसे करें। तो डोर हैंडल क्लीनिंग करने के लिए 1% हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन में कपड़े को डिप करेंगे, उसे निचोड़ लेंगे, उसके बाद उसे डंप मॉप करना है। ये दिन में एक बार इस विधि से क्लीन करना है और डिटर्जेंट एंड वाटर का घोल बना करके हफ्ते में एक बार उसको धुलाई भी करनी बहुत ही आवश्यक होता है। अब आते हैं आइसोलेशन एरिया की क्लीनिंग, आइसोलेशन रूम की क्लीनिंग कैसे करें। तो आइसोलेशन रूम की क्लीनिंग डिटर्जेंट या सैनिटाइजेशन या वाटर को वार्म वाटर से हम उस एरिया को क्लीन कर सकते हैं, या 1% हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन या 5% हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन वहाँ पे मुझे यूज करना है, और 3 बकेट सिस्टम भी यूज करना है। 3 बकेट सिस्टम जिस तरीके से हमने पहले आपको बताया हुआ है कि डिटर्जेंट प्लस वाटर लेंगे, या फिर उसके बाद प्लेन वाटर लेंगे और 3rd बकेट में डिसइंफेक्ट केमिकल लेंगे, वो केमिकल आइसोलेशन रूम को क्लीन करने के लिए 4% हम यूज करेंगे या 1% भी यूज कर सकते हैं। आइसोलेशन की क्लीनिंग करने के लिए फुल पीपीई पहनना बहुत ही ज़रूरी है। अपने आप को फुल कवर करें और देन नर्सिंग स्टाफ के ऑब्जर्वेशन में ही आप वहाँ की क्लीनिंग करेगा, जो भी स्वीपर वहाँ की क्लीनिंग करे वो नर्सिंग के ऑब्जर्वेशन में ही उस रूम की क्लीनिंग करनी। अब हम आते हैं कि कर्टन, वाइट क्लॉथ एंड रैक्सीन के मैटर्स को कैसे क्लीन करें। कर्टन को क्लीन करने के लिए मुझे सॉफ्ट कपड़े को हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन में डिप करके और उसे डंप मॉप के तरीके से क्लीन करना है, और वाइट क्लॉथ है, मेरे चादरें हैं और इन सब चीज़ों को क्लीन करने के लिए 1% हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन में 20 मिनट के लिए डिप करके छोड़ देंगे। देन उसे वाटर से वॉश करके हम उसे ड्राई कर लेंगे, उसे आयरन करेंगे यानी देन स्लाइस करेंगे और फिर हम उसे पेशेंट के ऊपर यूज करेंगे। इसी प्रकार रैक्सीन मैटर्स है तो कैसे क्लीन करें। तो रैक्सीन मैटर्स को 1% हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन से डस्ट मॉप करना है, डस्टिंग जैसे जो डस्टिंग हम करते हैं उसी विधि से उसको भी हम मुझे मॉप करना है। देन उसे सनलाइट में भी रख सकते हैं, उसे सनलाइट में रख करके उसके जो मॉइस्चर बने हुए हैं उसको मुझे सही करवाना होगा। देन उसे पेशेंट पे यूज करना है। एक पेशेंट मेरे पास आया और जब वो डिस्चार्ज होकर चला जाता है उसके बाद आपको मैटर्स रिएक्शन जो है इसकी क्लीनिंग करनी होती है। अब आते हैं वाटर जार, वाटर कूलर की क्लीनिंग या इन सब चीज़ों की, जो पीने वाला वाटर है मेरा उसको, ड्रिंकिंग वाटर, उसको कैसे हम क्लीन करें। तो उसको क्लीन करने के लिए सोप वाटर से स्क्रब करना है, उसके बाद उसे रनिंग वाटर में 4 से 5 बार उसे खूब वॉश करना है कि उसका झाग उसमें से निकल जाए। देन उसके बाद हम उसमें उसको ड्राई करेंगे और ड्राई करने के बाद हम उसमें वाटर रख करके देन उसे हम लोग पीने में यूज करेंगे। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जनरल क्लीनिंग कैसे करें। तो जनरल क्लीनिंग करने के लिए 1% हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन या वार्म वाटर प्लस डिटर्जेंट का घोल बना करके ही हम उसे ट्रिपल बकेट सिस्टम जो हमने यूज किया था सेम उसी तरीके से मुझे इसे यूज करना है और उसे क्लीन करना है। जनरल क्लीनिंग दिन में 2 बार और रात में 1 बार करनी होती है। पेशेंट के लॉकर और ब्रांच की क्लीनिंग कैसे होती है। तो उसे करने के लिए डंप डस्टिंग 1% हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन में डिप करके और डंप डस्टिंग करनी होती है, दिन में 1 बार इसे करनी है। रेलिंग की क्लीनिंग कैसे करें। तो 1% हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन डेली दिन में 1 बार करेंगे और इसके आसपास की जो भी जगह होंगे, एरिया होंगे, उसको मुझे 1% हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन से सैनिटाइज करना होता है। हम जो भी काम करेंगे उसमें पीपीई अवश्य पहने, नहीं तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट की क्लीनिंग
कैसे करें। तो टॉयलेट की क्लीनिंग के लिए तो टॉयलेट में जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी वस्तुएं होती हैं, उसको मैं बता रही हूँ कि टॉयलेट कप, टॉयलेट पॉट, कमबोर्ड, लीड, कमबोर्ड, टॉयलेट फ्लोर, टॉप, आउटसाइड सिंक, सावर, सॉप डिस्पेंसर इत्यादि को मुझे डेली क्लीन करना होता है। और इसको क्लीन करने के लिए सबसे पहले मुझे कमबोर्ड को क्लीन करने के लिए हार्पिक से क्लीन करें, देन 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन या 5% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से उसे डिसइंफेक्ट करें। सॉप और डिस्पेंसर को क्लीन करने के लिए डिटर्जेंट पाउडर और वाटर से उसको स्क्रब करेंगे और देन उसे वाटर से क्लीन कर देंगे। इसे दिन में मुझे एक बार करना है। सिंक की क्लीनिंग भी मुझे दिन में 3 से 4 बार उसे करने की ज़रूरत पड़ती है। जब भी वो गंदा दिखता है उस समय पे मुझे उसकी क्लीनिंग करनी है। अब मैं बताती हूँ सीलिंग और वॉल की क्लीनिंग कैसे करें। तो इसे क्लीन करने के लिए एक बाउल में मुझे 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन लेकर के डॉम डस्टिंग करनी है, जैसे कि हफ्ता में एक बार इसे क्लीन करना है बस। अब आते हैं मिरर और ग्लास को कैसे क्लीन करें। तो मिरर और ग्लास को क्लीन करने के लिए डिटर्जेंट वाटर का घोल बना करके डम्प डस्टिंग कर सकते हैं, या फिर 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से डम्प डस्टिंग करनी चाहिए। ये दिन में एक बार करनी ज़रूरी है। पेंट्री के फर्नीचर की क्लीनिंग के लिए डम्प डस्टिंग करेंगे। डेस्क को क्लीन करने के लिए भी हम डम्प डस्टिंग का ही यूज़ करेंगे, या फिर 0% 5% अल्कोहल के साथ में डम्प डस्टिंग करेंगे। अब हम आते हैं आफ्टर क्लीनिंग। आफ्टर क्लीनिंग में अब तक हमने आपको सारी क्लीनिंग बता चुकी हूँ मैं, जैसे कि किस तरीके से इंस्ट्रूमेंट की क्लीनिंग होगी, किस तरीके से फ्लोर की क्लीनिंग, वॉल की क्लीनिंग, टॉयलेट क्लीनिंग, आइसोलेशन एरिया कैसे क्लीन करें, इन सब चीज़ों को हमने बता दिया है। अब आते हैं सारी चीज़ों को क्लीन करने के बाद हम डस्टर को क्या करना है उसे मुझे। तो डस्टर को भी शेव करना पड़ेगा मुझे। तो डस्टर को शेव करने के लिए जो भी डस्टर्स पैड डिस्कार्ड करने योग्य हो गए हैं उन्हें येलो पॉली बैग में डाल करके उसे डिस्कार्ड करना है। और क्लीनिंग के बाद मोप और डस्टर को डिटर्जेंट पाउडर या वाटर से वॉश करके उसे धूप में सुखा लें। सुखाने के बाद ही दूसरे दिन या उसी समय पे जब भी आपको आवश्यकता हो तो आप दोबारा उसे एरिया को मॉप करें, क्लीन करें, सब चीज़ों को करें। जो भी सैनिटाइजेशन मैच या 3 बकेट सिस्टम को हम जो यूज़ करते हैं या सैनिटाइजर मशीन जो यूज़ कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को रनिंग वाटर में वॉश करना है। सॉफ्ट वाटर डिटर्जेंट वाटर से रनिंग वाटर में वॉश करना है, देन उसे ड्राई करके उसे दोबारा यूज करना है। अब तक आपने मेरी इतनी सारी चीज़ों को क्लीनिंग के बारे में सुना, सुनने के लिए धन्यवाद।